ओके दोस्तों, मैं अभी देहरादून से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ, एक गाड़ी में आप देख रहे होंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ आज, जो कि वाकई आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका मोटिवेशन जो है वो बढ़ाएगा। लाइफ के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, ये मेरा एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आती है, इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए। उसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं मैं कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, कैब की स्पीड काफ़ी अच्छी है। आप इस कैब को ड्राइवर साहब चला रहे हैं, मैं इनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। सर आपका नाम क्या है? गौरवकांत त्रिपाठी जी। गौरवकांत त्रिपाठी जी इस वाहन को ड्राइव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी स्पीड पे गाड़ी चल रही होगी, लगभग की गाड़ी की स्पीड इस टाइम 80 प्लस है और हम लोग काफ़ी स्पीड एक हाईवे पे चल रहे हैं, देहरादून से दिल्ली का हाईवे है। गौरव जी के बारे में जो सबसे ये जो ट्रैवल है, जो ये ड्राइविंग हो रही है, इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दुर्भाग्यवश गौरव जी हैंडीकैप्ड हैं, उनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं पोलियो की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। और जिस इंसान के दोनों पैर काम नहीं करते और वो इंसान गाड़ी को इतना परफेक्टली, इतना सुंदर तरीके से और सेफ्टी चला रहा है, मैं पिछले 3-4 घंटे से इस गाड़ी में बैठा हूँ, शेयर टैक्सी ली थी देहरादून से दिल्ली की, तो इसके अंदर मुझे अभी तक एक बार भी डर नहीं लगा कि कोई हैंडीकैप इसको चला रहा है। इस गाड़ी को वो कैसे चला रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर उन्होंने क्या, किस तरीके से उसको, इस गाड़ी को अपने अनुकूल बनाया, ये भी बड़ी जानने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है इनका करेज है, इनकी हिम्मत है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। समस्या इंसान से बड़ी नहीं हो सकती, यदि समस्या है तो सोल्यूशन है। गौरव गांधी जी, आप गाड़ी कितने साल चला रहे हैं? मैं 4 साल से चला, 4 साल से गाड़ी चला रहे हैं। ओके, आप हैंडीकैप हैं और इस गाड़ी को चला रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और इस गाड़ी को आप एक लीवर की मदद से चला रहे हैं, है ना? स्टीयरिंग आपने कंट्रोल किया बड़े अच्छे से और आप इसको लीवर को एक, इसमें क्लच एंड ब्रेक सिस्टम है तो इसको आप एक लीवर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, 4 साल से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ट्रैफिक है, स्पीड है, मौसम है, सामने वाली गाड़ी को भी संभालना है, रिस्क है, टाइम भी बचाना है और सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर गाड़ी चलाने की का जज्बा कैसे आया? बस एक दिन मुझे बहुत जरूरी जाना था ललितपुर, ड्राइवर मिला नहीं, तो उस दिन से मैंने ठान ली कि गाड़ी चलाऊंगा मैं स्वयं। ओके, मतलब आपको गाड़ी कहीं जाना था लेकिन कोई वाहन या ड्राइवर नहीं मिला, उसकी वजह से आप नहीं जा पाए ना। और तो उस दिन से आपने ठाना कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये गाड़ी आप चला रहे हैं, इसके अंदर एक लीवर का यूज कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो ये लीवर है इसके थ्रू आप एक्सेलेटर और ब्रेक को ऑपरेट कर रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया आपको? ये बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया है। और ऑटोमेटिक गाड़ी क्यों चूज करी आपने? ऑटोमेटिक में मुझे दिक्कत नहीं होगी चलाने में। ओके, दूसरा? दूसरा ये कि गियर वाले में तकलीफ होगी कि कब गियर डालना है, बार बार वो बंद होगी, क्लच दबाना। हाँ, ये गाड़ी कभी बंद नहीं होती है। ओके, इसमें आप इस लीवर के थ्रू चलाते हैं जी। ओके दोस्तों, आप देखोगे इसके अंदर ये एक लीवर है, अभी उन्होंने एक्सेलेटर पुश कर रखा है और गाड़ी अभी स्पीड पकड़ रही है। आपके सामने ये अभी 80 के 75-80 की स्पीड पे जा रही है और जैसे ही ट्रैफिक आगे आता है तो हमारे त्रिपाठी साहब ये लीवर को हटा के इससे ब्रेक, ये इन्होंने ब्रेक लगा दिया, ये ब्रेक ऑपरेट किया इन्होंने और अभी ये आप देखेंगे एक्सेलेटर देंगे और ये इन्होंने इसे एक्सेलेटर पुश कर दिया। मैं देखिए ट्रैफिक, आगे ट्रक आया कितनी स्पीड से, लेकिन इन्होंने कितने अच्छे से गाड़ी कंट्रोल कर ली। ये देखिए हमारे पास से ट्रक गुजरा है और सरप्राइजिंगली इन्होंने कितने अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। मैं इस गाड़ी में कम से कम पिछले शायद 3-3.5 घंटे से बैठा हूँ, गाड़ी अच्छी स्पीड से चल रही है, सेफली चल रही है, मुझे एक बार भी 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई रिस्क है या डर है। आप इस वाहन को पिछले 4 साल से चला रहे हैं जी, कहाँ कहाँ तक यात्रा करी आपने? मैंने कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, अहमदाबाद, जयपुर, ओके, सोनीपत, सब जगह आप गाड़ी जाते हैं लेके। तो कभी आपको कोई मन में डर, कोई रिस्क नहीं फील हुआ? कोई डर नहीं, जब गिरराज जी अपने साथ है तो फिर डरने की क्या बात। ओके, अच्छा इस प्रोफेशन में बींग एन हैंडीकैप्ड आपको चैलेंज लगा? चैलेंज सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ आपने उसको हटा दिया, आपने अपने दिमाग से एक लीवर बना के गाड़ी को इतने अच्छे चला रहे आप, कोई और चैलेंज लगा आपको? चैलेंज कोई और लगा आपको?
नहीं कोई शेयर नहीं। ये टैक्सी आपकी अपनी है? स्वयं की, मेरे पास 9 गाड़ियां हैं। अच्छा, और 9 स्वयं की कमाई की। अच्छा, आपने अपनी मेहनत से बनाई है? जी। क्या बात है। तो बाकी जो 8 गाड़ियां वो कौन चलाता है? ड्राइवर लोग। ड्राइवर लोग चलाते हैं? जी। बहुत बढ़िया। आप कुछ इस दुनिया को कोई संदेश देना चाहेंगे? दुनिया को यही, क्योंकि आपकी, आपने वाकई ही आपने बहुत बड़े चैलेंज को जीता है, आपने कुछ लाइफ में करके दिखाया है, आपने अपनी अपनी विषमताओं से दूर होके आगे बढ़ते हुए अपने रोजगार को आप में सफलता प्राप्त करी, आप एक वाकई लाइफ के विनर है। तो आप और लोगों के प्रोत्साहन के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे दुनिया के? बस दुनिया से यही कहना चाहता हूँ कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, स्वयं में मेहनत करो, सफलता बस आपको मिलेगी। ओके। लाइफ में कभी मायूस ना हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप बराबर निरंतर प्रयास करते रहे, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा गौरव कांत त्रिपाठी साहब, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आराम से बताइएगा। 9792953526। ओके फ्रेंड्स, ये वाकई एक लाइफ के अंदर यदि कोई इंसान थक जाता है या सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये जो आज मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये वाकई एक सीख है कि इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप के सामने प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे ऑफिस वर्क में, हमारी रूटीन लाइफ में, लेकिन इस एग्जांपल को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि यदि प्रॉब्लम है तो उसका रास्ता भी है। तो मैं गौरव साहब आपको एक बार दोबारा धन्यवाद देता हूँ और आपके लिए कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त करते रहें, और आपका जो ये उत्साह है, आपका जो करेज है, आपने जो आपके जो मजबूत इरादे हैं, इनसे और लोग भी सीख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।